राज्य एवं देश विदेश किसी गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं आज खबर को स्वागत करुच्ची संयुक्ता प्रथम देखने कौन रही आज हेडलाइंस। पुलवामा भली आउ एक बड़ धरणर आतंकवादी आक्रमण षड़यंत्र को पंड करिछन्ति सुरक्षाकर्मी। प्रकाश पाइला युक्त दुई नामलेखा सह प्रथम मेधा तालिका, सबुठ आगरे रेभेन्सा जूनियर कॉलेज। मोदी को फोन कले रूस राष्ट्रपति पुटिन, द्विपाक्षिक आलोचनापी पुटिन को निमंत्रण कले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। प्रथम थरपाई सत ओगाला ओमानिया चीन, गलवान संघर्ष में केवल भारतीय जवान नुहे चीन सेनाकर मध्य प्राणहानि घटी। एवं राजधानी भरतपुर अंचल विपुल परिमाणर गंजेई जबत करने जड़े अभियुक्त को गिरफ्त करी अबकारी विभाग। जबत होता गंजेईर आनुमानिक मूल्य 1 कोटी टंका हेबो बोली सूचना। बुलेटिन आरंभ करबा आजर सबुठारु सेई बड़ खबर रु पुलवामारे आतंकवादी बड़ धरणर आक्रमण योजना को सुरक्षाकर्मी माने व्यर्थ कर पुलवामार अवंतीपुर अंचल जैसे मोहम्मद आतंकवादी उपस्थित संपर्क में सूचना पाई पुलिस सीआरपीएफ और सेना पक्षर मिलित चढ़ाऊ कर चढ़ाऊ बेले 416 जिलोटिन स्टिक, 50 डिटोनेटर और 52 किलो विस्फोरक जबत कर सेनार सूचना अनुजाई गडिकाल अंचल जंगल मध्य विस्फोरक जबत कर विस्फोरक गुड़ी को एक पानी ड्रम मध्य लुचाई रखा जाता। ब्यूरो रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। राज्य विद्यालय और गणशिक्षा विभाग अधीन कनिष्ठ महाविद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय युक्त दुई नामलेखापी शुक्रवार मेधा तालिका मेरिट लिस्ट प्रकाश पाई। कला वाणिज्य और विज्ञान में प्रथम स्थान में रेभेन्सा जूनियर कॉलेज रही। शुक्रवार पूर्वाह्न समय साम्स वेबसाइट रे प्रथम पर्याय कटअफ मार्क बा मेधा तालिका प्रकाश पाई। कलार 72.5% कटअफ मार्क सह प्रथम स्थान में रेभेन्सा जूनियर कॉलेज रही। द्वितीय स्थान में बीजेपी कॉलेज 71.83% कटअफ मार्क रही। से हीपरि 67.83% सह तृतीय राउरकेला सरकारी जूनियर कॉलेज रही। विज्ञान में मध्य प्रथम स्थान में रेभेन्सा जूनियर कॉलेज आगे रही। विज्ञान में रेभेन्सा जूनियर कॉलेज कटअफ मार्क 99% रही। द्वितीय 88.6% सह बीजेपी जूनियर कॉलेज और 86.67% सह तृतीय ब्रह्मपुर नीलकंठ नगर सरस्वती शिशु मंदिर रही। से हीपरि वाणिज्य 75.83% सह प्रथम स्थान में रेभेन्सा जूनियर कॉलेज रही। 75.5% सह द्वितीय राउरकेला सरकारी जूनियर कॉलेज। वाणिज्य बीजेपी जूनियर कॉलेज 74% सह तृतीय रही। प्रथम पर्यायर योग्य बेचित विद्यार्थी नामलेखा सेप्टेम्बर 21-26 मध्य अनुष्ठित हो। ब्यूरो रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुटिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करिछन्ति। दुई नेता फोन रे दीर्घ समय आलोचना करिछन्ति। तबे विशेष और द्विपाक्षिक संबंध को मजबूत करिबा कथा को दोहराई दुई नेता अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपरे आलोचना करिछन्ति। कोविड-19 काल रे दुई देश मध्यरे कथाबार्ता जारी रहितिबारु खुशी व्यक्त करिछन्ति दुई नेता। भारत और चीन मध्यरे विवाद जारी रहितिबा बेले मोदी और पुटिन को आलोचना एबे अनेक प्रश्न सृष्टि करिछि। तबे दुई नेता चीन को नै किछि आलोचना करिछन्ति कि नाही से नै एबे सुधा किछि स्पष्ट तथ्य मिलि पारि नाही। मात्र सीमा विवाद समय रे एभलि दुई देशर आलोचना को गुरुत्व दिया जाउछि। पीएम मोदी द्विपाक्षिक आलोचना पई पुटिन को निमंत्रण करिछन्ति एही सूचना विदेश मंत्रालय प्रदान करिछि। तबे केबे दुई देश मध्यरे बैठक बसिबो से नै तारीख मध्य खूब शीघ्र स्थिर करा जिवो। पीएम पुटिन को एससीओ और ब्रिक्स सम्मेलनी को सफलतापूर्वक होस्ट करिबा पई धन्यवाद जणाइछन्ति। ब्यूरो रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। गत मे मास प्रारंभरु ही चीन और भारत मध्यरे सीमा विवाद जारी रही। चीन वास्तविक नियंत्रण रेखारे अनुप्रवेश करबा को चेष्टा करथिबारु एहार जवाब मध्य भारतीय सेना सेमानकु देउछि। एहि क्रमरे चीन प्रथम थर पई सत मानिछि। से स्वीकार करिछि गलवान घाटी संघर्ष रे केवल भारतीय जवान नुहन्ति बरं चीन सेनाकर मध्य प्राणहानि घटिथिला। एहा पूर्वरु चीन एहि कथाकु आदौ स्वीकार करनथिला। चीन खबरकगज ग्लोबल टाइम्स संपादक मानिछन्ति जे गलवान घाटी संघर्ष रे चीन सेना को क्षति पहुंची और केतेकंकर मृत्यु मध्य होइथिला। तबे ग्लोबल टाइम्स मुख्य संपादक हु सीजिन प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बयान रु ट्वीट करी लेखिछन्ति गलवान घाटी रे प्राण हरैथिबा 20 जन भारतीय जवान कठारु खूब कम चीन जवान शहीद होइछन्ति। भारत से दिन चीन रो कोनोसी सैनिक को बंदी करिनथिबा बेले चीन किंतु एभली काम करिथिला।
सीजन ट्वीट सहित गोटे स्क्रीनशॉट शेयर करिसेंति जेउथिरे राजनाथ सिंह कहिथिले गलवान संघर्ष बेले जदियो भारतीय जवान शहीद होइथिले किंतु भारत चीन सेना को क्षति पहुंचाइथिला। ब्यूरो रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। भुवनेश्वर भरतपुर अंचलरु शुक्रवार विपुल परिमाणर गंजेई जबत करबा सह जने अभियुक्त को गिरफ्त करिछि अबकारी विभाग। घटनास्थलरु गंजेई बोझेई बोलेरो को मध्य जबत करा जाइछि। सूचना अनुजाई आज भोर समय भरतपुर निकटरे एक बोलेरो रे विपुल परिमाणर गंजेई चोरा चालाण हेउथिबा खबर मिलिथिला। एहा परे अबकारी विभाग पक्षरु चढ़ाऊ करा जाइथिला। उक्त बोलेरो रु विपुल परिमाणर गंजेई जबत करा जिबा सह जनकु गिरफ्त करा जाइछि। बोलेरोटी खोर्धा कटक बाईपास रे जिबार योजना करथिबार खबर मिलिछि। जबत होइथिबा गंजेईर अनुमानिक मूल्य प्राय 1 कोटी टंका हेबो बोली जणा पडिछि। ब्यूरो रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। आज विजु जनता दल महिला मोर्चार रायगढ़ जिला पर्यवेक्षक स्निग्धा पाणिग्राही दिनिकिया जिला गस्तरे आसी। पर्यवेक्षक आज रायगढ़ सर्किट हाउस परिसर में जिलार निर्वाचित महिला प्रतिनिधि मानक सह आलोचना करी सरकार विभिन्न योजना उपरे समीक्षा करथिले। जड़े महिला प्रतिनिधि निज अंचल उन्नयनमूलक योजना किपरि करुछि से नहीं से मत संग्रह करथिले। पुरुष प्राधान्य समाज रे महिला प्रतिनिधि माने किपरि आगो को बढ़िबे से नहीं आलोचना होइथिला। सेहिपरि सेमानकु किपरि अधिक अग्राधिकार दियाजिब से नहीं आलोचना होइथिला। एहि बैठक रे निमंत्रित महिला पंचायत प्रतिनिधि माने किपरि तृणमूल स्तर रे हैरान हेउछंती ताहा सेमाने प्रकाश करथिले। सेमाने अभियोग करथिले जे पुरुष प्राधान्य दुनिया रे सेमानकु केही सहयोग करूनथिबा एवं सेमाने चाहिले भी सरकार को आसुथिबा विभिन्न उन्नयनमूलक कार्य लोकक पाखरे पहुंची पारुनाही। एथिप्रति ध्यान देवाकु से अनुरोध करथिले। एहि सब अभियोग सुनिला परे महिला पर्यवेक्षक स्निग्धा पाणिग्राही कहिथिले जे यथाशीघ्र एहि समस्यार समाधान करबा सहित महिला मानकु उत्तम शिक्षा जोगाइ देबा प्रति चेष्टा करिवे। से आहुरी कहिथिले जे नवीन सरकार पांचो पांचो थर निर्वाचित हेबा पछरे एहि महिला मानक हात रहिछि ओ आगकु रहिथिबो बोली से दृढ़ोक्ति प्रकाश करथिले। शेषरे से अनुरोध करथिले एहि जिल्ला रे थिबा बिजेडी महिला मोर्चा बिजेडी युव मोर्चा समस्ते एक होई मिलीमिशी काम करबा पई कहिथिले। एहि बैठक रे आदिवासी कल्याण मंत्री जगन्नाथ सारका जिला बिजेडी सभापति सुधीर दास महिला सभानेत्री अनुसया माझी प्रमुख उपस्थित थिले। रायगडा मु आसीले हमर बिजु महिला जनता दल संगठन सांगठनिक कार्यक्रम केमिति सुदृढ़ करा से बाबदे एक आलोचना पर्यालोचना बैठक करवाई आज रायगढ़ से बाबदे आलोचना है आम केमी आग को भविष्य रूपरेख कार्यक्रम रूपरेख दिजा आमर पंचायत लेवल जिला पर्यंत महिला मानर चयन करें विभिन्न प्रकार दायित्व दे महिला संगठन दृढ़ करने रायगढ़ स्मृतिरंजन महांती रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। असहाय फेरिबार दुर्दशा दुखरे दिन बीतु थाए किंतु कहारी केबे नजर पड़ेनी जेमिती की साहाज्य कहिले सात सपन ना सरकार ना बड़ बड़िया लोकों साहाज्य मिलिछि दिने खाइले दिने उपवास। सतरे जेमिती सूर्यचंद्र एमानक पाई चारिपटु अंधार साजिछि। घटनाटी होउछि जगतसिंहपुर एरसमा ब्लॉक गड़ बिशनापुर पंचायत शांतिमुणि ग्रामर असहाय परिवार को सही समय एक परिवार को साहाज्यर हाथ बढ़ाइला। आमे स्वाभिमानी ओडिया संतान सोशल मीडिया जय श्रीकृष्णा ग्रुप फाउंडेशन ट्रस्ट एहि फाउंडेशन ट्रस्ट मेंबर तापस राउत और जगबंधु परिवार को घरर विभिन्न सामग्री और राशन एवं 10,000 टंकार राशन 3,000 टंका जेमितिकी चाउल हंडा लंठन एमितिकी घरर प्रत्येक सामग्री 13,000 टंकार साहाज्य देई गरीबों मुहरे हस फुटाई। खोर्धारु सुधीर कुमार बेहरा रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। बलांगीर जिला कंटाबांजी सहर रे कार्यरत थिबा एक वैद्युतिक गणमाध्यम प्रतिनिधि अंतिम पाणिग्राही को आक्रमण होइछि। सूचना योग्य जे तुरेकेला ब्लॉक झरणी पंचायत रे कोविड सेंटर रे थिबा दादन श्रमिक मानकु टंका मिलि नथिबा अभियोग होइथिला। तेबे एही खबर संग्रह करबा पई सांबादिक जनक उक्त पंचायत को जाइथिले किंतु झरणी सरपंच प्रेमलता मेहरक स्वामी तार सहयोगी सह आसी सांबादिकंकु आक्रमण करथिले। एणु एहि घटनार दृढ़ कार्यानुष्ठान पई कलाहांडी जिला नरला निर्वाचन मंडली रे वेब मीडिया संघ तरफरु कार्यरत सांबादिक मानकु सुरक्षा प्रदान निमन्ते एक दाबीपत्र दिया जाइथिला। एथिरे दाबी जणाइथिबा प्रशांत सामतराय युव सांबादिक सुब्रत कुमार साहू सुशांत मल्लिक जगत साहू भीष्म साहू ओ नरला निर्वाचन मंडली समस्त वेब मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रे दाबीपत्र प्रदान करा जाइछि। गत 16 तारीख दिन जिम बोली आमर ओटीवी प्रतिनिधि को तुरेकेला ब्लॉक
ଝର୍ଣ୍ଣି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ଦବଙ୍ଗିରି ଘଟାଇଥିବା ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଜି ଆମେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୁରାମପୁର ବ୍ଲକରେ ଦାବିପତ୍ର ଜଣାଇଥିଲୁ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେମିତି ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ନୁହେଁ ତା ପ୍ରତି ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ଦେବେ ସେ ଉପରେ ଆମେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାଇଥିଲୁ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଜଣାଇଛୁ ଓ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଏଭଳିଆ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଯେମିତି ନ କରିବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସେ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକି ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଜଣାଇଛୁ। ଆମେ ଆସିଛୁ ଏମରାମପୁର ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ। ଗତକାଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତୁର୍କେଲା ଝର୍ଣ୍ଣି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସରପଞ୍ଚ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଆଉ ସେହି ନିନ୍ଦାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଜଣାଉଛୁ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ 16 ତାରିଖରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ତୁରେକେଲା ବ୍ଲକର ଝରିନ୍ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଆମର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି, ସେଟା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଆକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଗଣମାଧ୍ୟମର ଅଧିକାର ଅଛି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା, ତେଣୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ନିଭାଉଛୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର କି ନିର୍ଯାତନା କି ଏ ପ୍ରକାର ଝମେଲା ଝାଟିକୁ ଆମେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଏଥିପ୍ରତି ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବି ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଏହାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଆଜି ଆମେ ରାମପୁର ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ହିରୋ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ସୁଶାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲାଣି ଉଦଳା ଥାନାରେ ଆଇଆଇସି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ନେଇ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜ୍ୟୋତିନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଘରେ ପଶି ଲୁଟ୍ କରିବା, କୃଷକ ବଜାର ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ବାଇକ୍ ଚୋରି ହେବା ଏବଂ ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍ ଘଟଣା ଉଦଳା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ତେବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଅଗ୍ରଣୀ ସଂଗଠନ ରୁଦ୍ରସେନା ଆଜି କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସଂଗଠନର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ସାଇବାବୁ, ଉପସଭାପତି ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଦେବୀକାନ୍ତ ରଣା ଓ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଜି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଏହି ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସଂଗଠନର ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧାରଣା ଦେବା ସହ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମେ ଦେଖିଆସୁଛୁ, ଦେଢ଼ ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ହେବ ଉଦଳା ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଥାନା ରହିଛି, ଉଦଳା ଥାନାରେ ଆଇଆଇସି ପଦବୀ ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲାଣି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଲୁଟ୍ପାଟ ଏବଂ ଯେଉଁ କୃଷକ ବଜାର ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ଭିଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଥିରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଯେଉଁ ବାଇକ୍ ଚୋରି ଘଟଣା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଉଦଳା ସହରରେ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଆଇଆଇସି ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲୁ ଆମର କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏହି ଦାବି ଆମର ପୂରଣ ନ ହେଉଛି ଯଥାଶୀଘ୍ର, ତେଣୁ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ଆମର ପବ୍ଲିକ ହିସାବରେ ଏହା ଜାଣିଛି ଯେ କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗା, ଏଠି ଚୋରି ଡକାଇତିରି ରାହାଜାନି ସବୁକିଛି ଘଟଣା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି। ଉଦଳା ଥାନାରେ ଆଇଆଇସି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସେଥିରେ ସକ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ସରକାର ଯେତେ ତତ୍ପରତା ହେଲେ ସେଟା ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ଏତେ ସ୍ଥାଣୁ ଯେ ଆଜି ଖାଲି ଇଏ ଉଦଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରି ନୁହେଁ, ଆଜି ରାସ୍ତାଘାଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି କପ୍ତିପଦା ସବିଜନତାକୁ ଏତେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ପ୍ରଶାସନମାନେ ଏମିତି ଭାଗରେ ନେଉଛନ୍ତି ଢଙ୍ଗରେ, ତାହା ପବ୍ଲିକରେ ଚଳିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ଉଦଳାରୁ ସତ୍ୟବାନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। କଟକ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସହର ଲୋକ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ହେଉ କିମ୍ବା ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋରରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଏହି କମିଟି ବଜାର ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବେ, ଯିଏ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବ ସେହି ଦୋକାନକୁ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯିବ। ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କଟକର ଡିସିପି, ଏସିପି
थाना अधिकारी अन्य पुलिस कर्मचारी माने स्थिति देखि जो दुकान सामाजिक दूरता मानुनथिले ताहाकु सील करा जाउछि। एही कार्यानुष्ठान प्रत्येक दिन चलिबो बोली कमिश्नर पुलिस पक्षरु कहा जाइछि। कटकरु एमडी जावेद का रिपोर्ट, डीटीवी ओडिया। प्रधानमंत्री आवास योजना रे अनियमितता नहीं ओपदा वीडियों को पाखरे अभियोग कले रायरामचंद्रपुर पंचायतवासी जीआरएस जगन्नाथ विरोध में ग्रामवासी आणिले विभिन्न अभियोग। पुओ सरकारी चाकरी करथिबा बेले बापा को किपरि प्रधानमंत्री आवास घर प्रदान करागला। अन्यपटे रेवती पंडा बहु दिनरु घर तयारी करथिबा बेले एहा छात पड़ी नथिला। एही गृहकु नूतन गृह दर्शाई तांकु जीआरएस बिल प्रदान करथिबा ग्रामवासी अभियोग करिछन्ति। सोरिसपाल जन्हियापदा मईसाडाळी टिपुरा ग्रामर ग्रामवासी विभिन्न अभियोग बिडीओ संतोष कुमार पतिंकु जणाइथिले। जीआरएस जगन्नाथ बारिकंक सह जोगाजोग करिबा परे जीआरएस एहा सत्य बोली प्रकाश करथिबा बेले पीओंकु पचारिबारु तांको पाखरे कोनोसी तथ्य नथिबा प्रकाश करिछंती। ओपदा वीडियोंकु ए बाबदरे पचारिबारु तदंत कराजिवो बोली कहिबा सह से क्यामेरा आगरे कोनोसी प्रतिक्रिया देइ नथिले। तुरंत दोषींक विरुद्धरे दृढ़ कार्यानुष्ठान नेबाकु ग्रामवासी माने दाबी करिछंती। घर कम्प्लीट हेला परे भी जगन्नाथ सार जो बिल करते आसिले नहीं फटो उठाते जिते डाकिन पंदर दिन इमें डेट गड़े गड़े मोर अन्य काम अच्छी अच्छी कहीं आसिले तापर मत 10,000 टाँह मागिले फाइनाल बिल पर मुझे विधवा लोक असह छोट छोट छुआ कौट आबी न देवा कारण सी मत 10,000 फाइनाल बिल करेले मन इच्छार फटो उठे मोर हक अच्छी कि ना पाइबार पैसा 20,000 मत एक कथा न्याय मिलू आजा अनेशत मसीहा ठूँ ब्लक रो जैसे आपत्ति अभियोग करूँ घर ना स्वामी रोजगार किसी ना स्वामी 50 वर्ष आसानी जिते आसला बेलू ना घर हम इनक्वारी करते जाऊँ आज भी आसिक विडीओ पाखे आपत्ति अभियोग करुचु से मैंने कहले तो ये बसिक तुम कौ इनक्वारी करते पठाऊ तेणु आम आप पंचायत जीआरएस जन अच्छे जगन्नाथ बारिकी सी कहले आम पुराणा घर को बिल कर दूसरी कितु मोर गोटे घर होता मतलब बहुत हईराण कला आजिकल कहीकि 2 वर्ष लगेदेला मो घर ठीक टाइम कली मतलब बोनस पैसा देलानी कितु गोटे पुराणा घर पूरा हो सकता केवल छात पक बिल कर तो तार स्टेप स्टेप फटो कौन नहीं बाबद नीलगिरी गयाधर साहू रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। रास्ता मरामती दाबीरे रास्ता रोक करी प्रतिवाद जणाइले खुंटंगावासी। सुंदरगढ़ जिला लहुणीपड़ा ब्लकर खुंटंगा ठारे कलई पशी बारकोट राज्य राजपथ शोचनीय भाव खराब हो पड़ता बेले तार मरामती दाबीरे आज खुंटंगा जनसाधारण और सरपंच अजय नायक रास्ता रोक करी प्रतिवाद जणाइछंती। पूर्त विभाग अधिकारी न आसिबा पर्यंत एही रास्ता रोक और प्रतिवाद चलिबो बोली आंदोलनकारी माने चेतावनी देथिले। आंदोलनकारी द्वारा रास्ता रोक कारण रास्तार उभय पार्श्वे शताधिक माल बोझे भारी जान अटकी रहासह जातायात असुविधा होता। ग्रामवासी कहवा कथा दीर्घ दिन हेब यह रास्ता प्राय 3 किलोमीटर अत्यंत खराब हो पड़ता बेले बर्षा दिने पा जमीसह अन्य दिन मानक बहुमात्र धूली उड़ी ग्रामवासी को कष्ट एही समस्या विषय में सरकारी दफ्तर में बहु थर जनवापर कौन फल मिलूनी बोली ग्रामवासी अभियोग करती। यार स्थायी समाधान नहले आगक आंदोलन व्यापक होबी ग्रामवासी चेतावनी देती। एने पीडब्ल्यूडी एसडीओ फोन जोगे कहते धूलीर समाधान एवं पा पक टे भल पाग हेले पिचु पक रास्ता मरामती कर देखु आम जो रास्ता को आज रास्ता रोक कर रास्ताटा है राज्य राजपथ 10A। ये रास्त दैनिक हजार हजार संख्य मालवाही गाड़ी जातायात करें जो कि मसे खंडे हम ये 3 किलोमीटर रास्ता जो देखुं ये 6 मास हम तैयारी कि 3 मास हम पूरा अति कदर्ज हो जाए तेणु ये जो बेड मेटेरियाल आगे पकईदेगी विभाग करतृपक्ष पकई सारापर तार मरामती आ कर फल एते धूली पूर्ण हो जाए एरिया एक्सीडेटर आम सम्मुखीन होरियावास से दृष्टिकोण आम आंदोलन करथाशीघ्र यथाशीघ्र मराबित मरामती आंदोलन सुंदरगढ़ सुनील कुमार पंडा रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। जेते कहले भी अमानिया मानु नाहती किछि नियम उल्लंघनकारी जोगु कोरोना संक्रमण वृद्धि पाउछि।
एमती एक नियम उल्लंघनकारी दृश्य देखा मिली। कोक्सरा ब्लक अंतर्गत कंदा बुटुरा ग्राम पंचायत कंदा बुटुरा ग्राम पंचायत जनगहली नई पंचायत अंतर्गत विभिन्न ग्राम से भत्ता प्रदान किंतु उक्त पंचायत अंतर्गत तुनगा लोके करोना कटकणा को फू कर उड़ाई देवा देखा मिली। करोना संक्रमण रोकवाक जारी होता कटक नमानी गोटे जगार एकाठी हो बसी हिताधिकारी ग्रामर दिव्यांग विधवा एमतीक हाईरिस्क जोन वृद्ध वृद्धा भत्ता नेवाप आसी ना अच्छी सामाजिक दूरता ना अच्छी मुहरे मास्क जदि एभली चली तबे गोष्ठी संक्रमण वृद्धि को एड़ाई दिया जाई न पारे। बक्सरारु किशोर कुमार पट्टनायकों रिपोर्ट टीटीवी ओडिया। दाना बांधुची आउ एक लघुचाप आसंता 20 तारीख बेलू उत्तर पूर्व बंगोपसगर लघुचाप सृष्टि होवार संभावना रही। यार प्रभाव में राज्य में आसंता 21 और 22 तारीख में अधिक वर्षा हो पारे। पानीपाग विभाग अनुजाई आसंता 2 दिन राज्य में विशेष वर्षा संभावना नहीं। काँ भाँ केतेक स्थान में वर्षा हो पारे किंतु 20 तारीख में दक्षिण ओडिशार मलकानगिर नवरंगपुर कोरापुट रायगड़ार स्थान स्थान प्रबल वर्षा हो पारे। 21 तारीख रु वर्षार परिमाण बढ़ी पारे। मलकानगिर कोरापुट नवरंगपुर गंजाम पुरी में प्रबल रु प्रबलतर वर्षा होबार आशंका रही। जाजपुर जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा कटक बालेश्वर भद्रक और खोर्धा जिले में गोटे दुईट जगार प्रबल वर्षा संभावना रही। ब्यूरो रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। बुलेटिन शेषरे हेडलाइंस पुणि थरे। पुलवामा भली आउ एक बड़ धरणर आतंकवादी आक्रमण षड़यंत्र को पंड करिछंती सुरक्षाकर्मी। प्रकाश पाइला युक्त 2 नामलेखा सह प्रथम मेधा तालिका सबुठी आगरे रेभेन्सा जूनियर कॉलेज। मोदी को फोन कले रूस राष्ट्रपति पुटिन द्विपाक्षिक आलोचनापी पुटिन को निमंत्रण कले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। प्रथम थर पर सत ओगाला ओमानिया चीन गलवान संघर्ष में केवल भारतीय जवान नुहे चीन सेनाकर मध्य प्राणहानि घटी। राजधानी भरतपुर अंचल विपुल परिमाणर गंजेई जबत करने जड़े अभियुक्त को गिरफ्त करी अबकारी विभाग। जबत होता गंजेईर आनुमानिक मूल्य 1 कोटी टंका हेबो बोली सूचना। आज पई आज खबर को एट रखा नमस्कार। डीटीवी ओडिया देखिवा पाई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।